हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। आजकल ज्यादातर लोग चेक से पेमेंट करते हैं। किसी काम के लिए अगर पैसा देना हो ज्यादातर लोग चेक से दे देते हैं। कभी कभी जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसके खाते में इतना पैसा नहीं होता या वो पैसे नहीं देना चाहता तो बैंक में चेक लगाने पर वो चेक बाउंस हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति की समस्या सामने आई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति को सरकारी काम कराने के लिए 10,000 रुपए दिए थे लेकिन वह व्यक्ति काम ना करा सका और अब रुपए वापस देने में बहाने कर रहा है। जब उन्होंने उस व्यक्ति पर दबाव बनाया तो उसने एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। जब चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया तो वह चेक बाउंस हो गया। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो उस पर मुकदमा कैसे होगा और कितना खर्चा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आपका पैसा लौटाना है और वो चेक देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है तो आप उस व्यक्ति पर चेक बाउंस होने का मुकदमा धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के अंतर्गत किया जा सकता है। चेक बाउंस होने के मुकदमे को करने के लिए जरूरी है कि चेक बाउंस की सूचना बैंक से आपको मिलने के 30 दिनों के भीतर ही आप उस व्यक्ति को जिसके खाते का चेक है उसको एक लिखित नोटिस रजिस्टर डाक से भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपने मेरा रुपया चुकाने के लिए जो चेक दिया था वो बैंक से बाउंस हो गया है। अब आप मुझे 15 दिनों के अंदर अंदर भुगतान कर दीजिए। इस नोटिस के मिलने के 15 दिन के अंदर चेक देने वाला व्यक्ति अगर आपका भुगतान कर देता है तो सही है। अगर वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर अंदर चेक की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए वाद का कारण पैदा हो जाएगा। वाद का कारण पैदा होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। इस तरह आप नोटिस मिलने की तारीख से 45 दिन के अंदर अंदर अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। ये एक फौजदारी मामला है जिसमें चेक देने वाले को कारावास और जुर्माने की सजा मिल सकती है। अदालत चेक की धनराशि की दुगनी राशि तक का जुर्माना चेक देने वाले पर कर सकती है और आपको न केवल चेक की धनराशि बल्कि उसके बराबर का कंपनसेशन भी दिला दिया जाएगा जिससे आपके मुकदमे वगैरह का खर्च निकल जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर चेक बाउंस होने की सूचना मिले 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपने नोटिस नहीं दिया है तो अगर चेक एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप उस चेक को फिर से बैंक में लगा दीजिए। अगर चेक देने वाले के बैंक में धन हुआ तो चेक आपका भुन जाएगा लेकिन अगर इस बार भी उसके खाते में पैसा नहीं हुआ तो चेक फिर से बाउंस हो जाएगा। तब उस चेक के बाउंस होने के बाद उसको एक नोटिस भेजेंगे, यही लिखेंगे कि चेक बैंक में बाउंस हो गया है इसलिए आप चेक का भुगतान 15 दिन के अंदर अंदर कर दीजिए। अब अगर वो उसका भुगतान 15 दिन के अंदर अंदर कर देता है तो सही है और अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर चेक का भुगतान नहीं करता है तो आप 45 दिन के अंदर अंदर अदालत में केस फाइल कर सकते हैं। कई बार ये पता नहीं चलता कि चेक देने वाले को नोटिस मिला है या नहीं मिला है इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि नोटिस डाक से भेजे जाने के अगले दिन से 10वें दिन तक जरूर मिल गया होगा और आप नोटिस को डाक में छोड़े जाने के दिन से 15वें दिन से लेके 45 दिन तक केस फाइल कर सकते हैं। आपका बैंक खाता जिस बैंक शाखा में है जहां चेक देने वाला निवास करता है या जहां आपको चेक दिया गया है उन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आप ये केस फाइल कर सकते हैं। बाउंस का नोटिस अगर आप खुद देंगे तो केवल नोटिस टाइप कराने का और डाक का खर्चा आपको देना पड़ेगा और अगर नोटिस आप किसी वकील से दिलवाएंगे तो वो आपसे 300 से 500 रुपए तक नोटिस भेजने के लेगा। इस मुकदमे में 200 रुपए से 500 रुपए तक का खर्चा आएगा और वकील की फीस चेक की राशि पर निर्भर करती है लेकिन ये सब खर्चे आपको ज्यादा भारी नहीं लगेंगे क्योंकि अगर आप केस जीत जाते हैं तो कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवाएगा जिसमें आपको इन सारे खर्चों की पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।